इस बात को ऐसे मानिए, इसको आप सरकार को सिर्फ गाली मत दीजिए, समाज भी तो चाहती है मेरे जात का क्रिमिनल हीरो रहे। पहले समाज से पूछती है कि किस जात का मर्डर हुआ, किस जात ने किया है, कौन धर्म है, कौन मजहब है, और ऐसे लोगों को वोट देती है सोसाइटी। जी दुपर करो सर, मैं एक बात बहुत क्लियर बता दूं सर, माइक में सर बोलिए। मैंने पहले भी किया है, वो अपने कर्तव्यों का पालन करे, अपनी दुकान चलाने के लिए और बीजेपी के एजेंडे पर बहस नहीं करना चाहिए। मैं गलत मानता हूँ उसको, इंटरप्रिटेशन अलग, मैंने कई बार कह दिया है। मैंने अभी इसीलिए कहा कि ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा है फोकट मुद्दा। अब ये मुद्दे खत्म हो गए, मुद्दा रामचरितमानस नहीं है, मुद्दा करबला नहीं है। वो किसी की निजी राय हो सकती है, जदयू हो, राजद हो, किसी भी व्यक्ति का बीजेपी हो। अब वो कोई बीजेपी की बात करिएगा तो वो शुरू ही करता है दलित के गाली से, आदिवासी की गाली से, क्रिश्चन को गाली से, कुरान शरीफ साहब तक को गाली देता है। सर, ऐसे लोग जो आस्था और भगवान के नाम पर नफरत पैदा करते हैं, उसको कानून बना देना चाहिए कि किसी भी तरह का चुनाव से उसको वंचित कर देना। सर, आपके पार्टी के एक मेरी बात सुनो, और उसको किसी भी कीमत पर चुनाव से वंचित के साथ साथ संवैधानिक कोई भी सुविधा उसको भारत सरकार के द्वारा उन व्यक्ति को ना मिले जो जाति का नफरत पैदा करता है, जो भगवान के नाम पर नफरत पैदा करता है, जो किसी भी ग्रंथ गीता कुरान बाइबिल के नाम पर नफरत पैदा करता है, उसको सरकारी सुविधा से वंचित करना चाहिए और किसी भी तरह का पंचायती से लेके एमपी तक के चुनाव से उसको बाट कर देना चाहिए। सर, आपके पार्टी के मधुपुरा के अभिषेक सिंह की हत्या। सर, मैं जानता हूँ, छात्र अध्यक्ष थे प्रखंड के, लगातार मेरे लिए ये सबसे बड़ी घटना थी। मुझे लगा कि मुझे ये बेटी और लाठीचार्ज और राजपुरा की घटना, आपको पता होगा कि डिप्टी कलेक्टर के बेटे को डॉक्टर ने मारते मारते मार दिया, नशा मुक्ति के लिए मारते मारते मार दिया। स्वर्ण ज्वेलरी को कल गोली मार दिया परसों, आपको पता होगा बेगूसराय में। कल एक बेटी को डांस करने के लिए बेटी ने रोका, सुबह उसको जिंदा जलाने का प्रयास किया, पेट्रोल छींक दिया। मैं इस बात को ऐसे मानिए, इसको आप सरकार को सिर्फ गाली मत दीजिए, समाज भी तो चाहती है मेरे जात का क्रिमिनल हीरो रहे। पहले समाज से पूछती है कि किस जात का मर्डर हुआ, किस जात ने किया है, कौन धर्म है, कौन मजहब है, और ऐसे लोगों को वोट देती है सोसाइटी। जो सासाराम है, औरंगाबाद है, गया है, ठीक है। भारत के रिपोर्ट के मुताबिक कोसी सीमांचल और मगध साहबा का जो उस पोर्शन अभी छोड़ दो पीछे। सबसे ज्यादा दुनिया के गरीब जिलों में से वर्ल्ड के भारत टाइम्स जबकि हमारे पास दुनिया का सबसे ज्यादा पर्यटन है, बोध गया, पिंडदान, बुद्ध की धरती, महावीर, शेषासुरी, रोहतास से लेकर शिव मंदिर, 84 शिव मंदिर, हम ऐसे कई जो पर्यटन है, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और जो सौंदर्य है, ये दुनिया का नंबर वन है। राजगीर और जगहों से कम रोहतास नहीं है।
एक बार नहीं कई बार इस इलाके में हमने पद यात्रा की। आज भी जो हालात इस इलाके को यदि आप पर्यटक स्थल अच्छे ढंग से, जिसके लिए मैं वादा करता हूँ, चाहे चौरासी सन मंदिर हो, रोहतास सबसे बड़ा जो आज बाद है, इसको पर्यटक स्थल बनाने में और नंबर वन करने में हम आज से हमारी लड़ाई नहीं शुरू होगी। पहले भी कई बार हमने ये सवाल उठाया। दूसरी चीज, इस इलाके में इतने ज्यादा माइंस है, खनन है, एक बार ज्यादा फैक्ट्री नहीं, जबकि उस फैक्ट्री की लड़ाई बहुत लंबे समय से हम लड़े। पहले तो डर में लगा, यह इलाका सबसे छोटा था हमारे पास।